अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों का कलर नॉर्मली वाइट होता है, लेकिन कुछ केसेस में दांतों के ऊपर सफ़ेद रंग के निशानात बनने लग जाते हैं। कई दफ़ा जो दांत जब नया मुंह के अंदर आता है उस टाइम उसके ऊपर निशान होता है। कई दफ़ा कोई ट्रीटमेंट डेंटिस्ट से करवाने के बाद दांतों पे सफ़ेद रंग के निशानात बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि दो तरह के निशान होते हैं, जो पैदाइशी शुरू से जब से दांत मुंह के अंदर आते हैं उस टाइम से होते हैं, और कुछ निशानात जो टाइम के साथ साथ आपके दांतों पे बनते हैं। तो इनकी क्या वजूहात होती है, तो इसके लिए दांत के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा दांत जो है ये दो चीज़ों का बना होता है, एक मिनरल्स होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट और दूसरा ऑर्गेनिक कंटेंट होता है कार्बन वगैरह। अगर इसमें मिनरल्स की कमी हो जाए, कैल्शियम कम हो जाए, फॉस्फोरस कम हो जाए, तो दांतों का जो कलर है वो ज़्यादा वाइट हो जाता है। अब मिनरल्स की कमी जो है किस किस वजह से हो सकती है, तो फैसलाबाद मियांवाली के जो इलाके हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर पानी के अंदर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है। फ्लोराइड की ज़्यादती की वजह से हमारे दांतों में बाकी मिनरल्स का लेवल कम हो जाता है, जिससे दांतों में सफ़ेद रंग के निशानात बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुदरती तौर पर कई दांतों की बीमारियाँ हैं जो जब दांत बन रहे होते हैं वो दांतों के अंदर मौजूद होती है, जिससे दांतों में मिनरल्स कम हो जाते हैं, दांत कमज़ोर होते हैं, लेकिन दांतों का कलर ज़्यादा वाइट हो जाता है। डाइट के अंदर जैसा आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, एसिडिक तेजाबियत वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी दांतों का कलर ज़्यादा वाइट हो जाता है, क्योंकि एसिड से दांत से मिनरल्स निकल जाते हैं। जब कैल्शियम फॉस्फेट दांत से निकल जाएगा तो पीछे ऑर्गेनिक कंटेंट रह जाता है, कार्बन रह जाता है, जो ज़्यादा वाइट होता है और दांतों का कलर हमें ज़्यादा सफ़ेद रंग का फील होता है। अब कई लोगों ने ब्रेसिस का ट्रीटमेंट कराया होता है, दांतों को सीधा करने के लिए तार लगवाई होती है। जब दांतों पे तार लगी होती है तो दांतों की सफाई भी मुश्किल होती है, दांतों में डेंटल प्लाक ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी दांतों पे सफ़ेद निशानात बनना शुरू हो जाते हैं। जब ब्रेसिस को हम उतारते हैं तो नीचे दांतों पे वाइट स्पॉट्स सफ़ेद निशानात बने होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सफ़ेद निशानात के बनने का। अब इसका इलाज क्या है, जब मरीज़ हमारे पास आता है तो हमारे पास हर किस्म का इलाज है। आसान हल भी है कि घर बैठ के भी सही कर सकता है, उसके लिए एक सिंपल चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मरीज़ की मुंह की सफाई बहुत ज़रूरी है। सुबह नाश्ते से पहले और रात सोने से पहले ब्रश लाजमी करें, ऊपर से नीचे की तरफ, जिस तरह मैंने कई दफ़ा बताया। धागे का इस्तेमाल, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें और हर 6 महीने या साल भर डेंटिस्ट को चेकअप करें। उसके बाद जब आपके दांत बिल्कुल ठीक हों तो आपने एक स्पेशल एक पेस्ट आती है जिसे GC टूथ मूस कहते हैं, उस पेस्ट के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है, केजीन फॉस्फेट, जिसे आम जुबान में मिल्क प्रोटीन भी कहते हैं। अगर आप उसका इस्तेमाल 6 महीने करेंगे तो उस पेस्ट की मदद से आपके दांतों पर कैल्शियम फॉस्फेट दोबारा जमा होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और आपके दांतों का जो कलर है वो पहले की तरह वापस आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो घर बैठ के आप कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका GC टूथ मूस की मदद से दांतों की जो ज़्यादा सफेदी है उसे कम कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद सही ना हो तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो तरीका है उसमें सबसे मॉडर्न तरीका रेजिन इनफिल्ट्रेशन है। एक स्पेशल लिक्विड सा मटेरियल होता है जो दांत के ऊपर हम लगाते और अंदर फ्लो कर जाता है, जिससे दांतों की एक्स्ट्रा जो सफ़ेदी है वो ख़त्म हो जाती है। ये उसी टाइम सही हो जाता है, कोई फिक्स तरीका है, इसके लिए बार बार विजिट नहीं करना पड़ता है। कॉस्टली महंगा तरीका है, लेकिन ये उसी टाइम आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा इससे। अगर ये नहीं करवाना क्योंकि ये महंगा भी है, तो उसका और ऑप्शन जो है, अगर दांत के इस हिस्से पे सेंटर में ये थोड़ा सा स्पॉट बना है तो इसे हम थोड़ा सा ड्रिल कर सकते हैं, ग्राइंड करके इस जगह पे दांत के कलर की फिलिंग, जिसे आम जुबान में लोग लेज़र फिलिंग भी कहते हैं, वो फिलिंग करके एक पैच बन जाता है जो दांत के साथ ब्लेंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उससे भी वो वाइट निशानात दांतों से ख़त्म किए जा सकते हैं। अगर निशान बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें एक और तरीका भी बड़ा अहम है, जो वेनियर होते हैं दांतों के ऊपर एक शेल सा लगा देते हैं दांत के बाहर वाली सतह पे, 0.5 मिलीमीटर का एक होल या शेल लग जाएगा, जिससे दांतों को सफ़ेद निशानात नज़र नहीं आएंगे। कुछ केसेस में दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और हर तरफ से दांत वीक होता है, उस पर हमें क्राउन भी करना पड़ सकता है।
तो सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं, आसान तरीका जो घर बैठ के कर सकते हैं और जो तरीका डेंटिस्ट करता है। इसके अलावा जो होम रेमेडीज में कुछ तरीके आते हैं जिससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, जैसे कोकोनट ऑयल पुलिंग है, उससे थोड़ा सा निशान कम हो जाएगा, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल, हाइड्रोजन परोक्साइड माउथ वॉश, डाइट, आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा लें या टैबलेट फॉर भी कैल्शियम लें तो उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा आपने जो उसका इस्तेमाल होता है हल्दी को कोकोनट ऑयल के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल करें, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। स्ट्रॉबेरी को क्रश करके टूथपेस्ट के साथ यूज़ करें तो इनसे फ़र्क थोड़ा थोड़ा पड़ सकता है, लेकिन जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है वो पहले मैंने आपको बता दिए कि जीसी टूथमोस या फिर डेंटिस्ट के बाद जो तरीके मैंने बताए वो आप कर लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।